हेलो गाइस, आई एम पुष्पेन धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। जी हाँ, परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं उसको बेसिक टर्म्स से लेके हम इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम उसके बारे में अभी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे ये लिखा है 7%, 8%, तो इसका मतलब होता क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि 7% मतलब 7/100। 7/100 का मतलब जैसे ही परसेंटेज का साइन आता है तो अपन में 100 आ जाता है। तो बेसिकली जब भी आपसे परसेंटेज की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अपन 100 की बात करें, 100 में से बात करें। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। परसेंटेज मीन्स 100। अब जैसे आप परसेंटेज का साइन हटाते तो अपन में 100 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 100 का 7वां पार्ट प्लस 100 रुपये में से 7 रुपये। इस तरीके से हम परसेंटेज अलग अलग चीज़ों का निकालते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो वो भी आप पूरी जो मार्कशीट में रिजल्ट बनता है वो भी आपका 100 में से ही परसेंटेज में बनता है। टोटल ओवर भले से ही आपका 6 सब्जेक्ट में 600 नंबर होते हैं लेकिन एक 100% के हिसाब से 90%, 20% जितने भी परसेंट बनते हैं तो उस हिसाब से हम परसेंट लगाते हैं। तो ये उसका मतलब कि 100 में से 7 नंबर। ये बेसिक एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो सिंपली इसका मतलब अगर जैसे हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में क्या जाता है, 100 आ जाता है। अपॉन में क्या जाता है, 100। तो ये आपकी बेसिक टर्म हो गई आपकी परसेंटेज की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसे कि देखिएगा, यही क्वेश्चन लिखा है और आपसे कहा जाए कि ये लिखा है 25% लिखा है। इसको आप परसेंटेज हटाइए, क्या करिए, इसकी परसेंटेज हटाइए। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। अपॉन में क्या लिख देते हैं, 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 1 25 4 1/4। तो आपका ये सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जिसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिएगा, जैसे आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ला सकते हैं, तो देखिएगा आपको इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखें, 100 लिखा तो अपॉन में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आपके 2.5 डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 0.25 लिख सकते हैं आप। जैसे आपका 7% लिखा है तो ये जाएगा 7/100। तो अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितने 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो मतलब कितना होगा आपका, 2.5 डेसिमल आएगा। तो 7 यहाँ तो एक ही पॉइंट है तो एक हम जीरो अपने मन से मान लेंगे, तो 0.07। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में या नंबर या डेसिमल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए, अगर हमें पता चले किसी फ्रैक्शन या किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1/2 को परसेंटेज में डिवाइड करिए, इसको परसेंटेज में बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज, बस एक सिंपल ट्रिक, 100/100 करना है। क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से ही डिवाइड करना है। तो ये जो नीचे वाला 100 होता है ना, ये तो आपका परसेंट होता है। क्या होता है आपका, ये परसेंट। तो इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, इस बंदे को रिजर्व रखना क्योंकि ये परसेंट बन जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, 2 5 10 0, तो आपका 50 अपॉन में क्या बचा, 100। तो ये हो जाएगा आपका 50%। क्या हो जाएगा, 50%। 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 50, हम कहते हैं ना कि हाफ मीन्स क्या होता है, आधा, कहते हैं 50-50 कर लेते हैं, तो वो ये हाफ का कितना हो गया, 50%। जैसे कोई सा भी नंबर हो, जैसे आपसे कहा 0.04 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट किए, 0.04 को, तो आप तो सीधा सा मेरे कहने का मतलब है कि आप तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो कोई भी नंबर, क्योंकि हमें अपॉन का मतलब होता है परसेंटेज का साइन। तो आप किसी भी नंबर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 2.5 किसके का, कितना हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 4%। जैसे आपसे कहा कि 2/3 को आप परसेंट में कन्वर्ट करते, क्या हो जाएगा आपका, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। तो मैं इसको 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 3 9, कितना बच्चा बन होगा, 3 3 9, वही 3 3 3 3 3 जाता रहेगा। तो आपको हो जाएगा 66.66%, 66.66% हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 को आप परसेंट में चेंज करिए तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का और परसेंट का साइन, तो इट्स 200।
ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि कुछ आपके अगर परसेंट वाले कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में। जनरली आप देखेंगे जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, चार क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिसमें आपके मोस्टली चीज़ें परसेंट की जो पूछने वाली कवर हो जाएंगी। ऐसे पूछा कि 3 इज़ वॉट परसेंट ऑफ 30, जो 3 है वो 30 का कितना परसेंट है, जो 3 है वो 30 का कितना परसेंट है। तो बहुत सिंपल है, जैसे ही कभी भी आप जैसे परसेंट भी आप स्कूल के परसेंट आपके निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना होता है, टोटल आपके जितने भी मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स, और उसके बाद क्या होता है आपके ऑप्टेन मार्क्स को हमेशा आप कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके परसेंट निकल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो पूरा एक बड़ा जो टोटल नंबर होता है वो नीचे आएगा, और उसका जो नंबर इससे पूछा कि ये कितना उसका होगा पार्ट, तो उसको ऊपर लिखो और उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंट का साइन तो लगाना ही लगाना है। तो चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, जो 3 है वो 30 का कितना परसेंट होगा। तो 3 छोटू है तो उसको नीचे लिख देंगे, 3 into 30, 3 upon 30, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या लगा दूंगा यहाँ पे, परसेंटेज का साइन। उसने बोला कि 3 30 का कितना परसेंट होगा, 3 ऊपर लिख देंगे जो छोटा होता है, और जिसके बारे जिसकी मैं से निकालना होता है उसको नीचे, और 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 10%। तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो 30 का 10% है, 3 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, 10% है। तो आपको आया चीज समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3, ये कहा गया कि जो 1/2 है वो आपका 2/3 का कितना परसेंट है, 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3। तो देख लेते हैं आपको 1/2 कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, 2/3, और इस कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, परसेंटेज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, 1/2 इनटू लगाएंगे, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 इनटू में 100, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, परसेंट। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 50, फिर 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 3 से तो आपको हो जाएगा 75%। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 75%। तो आपका ये है कि आपका जो 1/2 है वो 2/3 का कितना परसेंट है, वो 75% है। कितना है, 1/2 है वो 2/3 का कितना परसेंट हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अब इसी तरीके से व्हाट परसेंट ऑफ 8 इज 64, मतलब जो 8 है वो 64 का कितना परसेंट है, तो भैया यही करेंगे, तो 8 1 8 8 8 64, तो कितना बचा, 8 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 8 1 8 8 1 8 बचा कितना, 2, तो 8 2 16, कितना बचेगा, 4, तो हो जाएगा 40, और ये 8 5 से, तो आपको हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा आपका, 12.5%। तो मतलब ये है कि जो 8 है वो 64 का कितना है, 12.5% है। अब हम करते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml, मतलब कि ये कि जो आपका 6.5 लीटर जो है उसका 130 ml उसका कितना परसेंट होगा। तो जो पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये लीटर में लिखा है और ये मिलीलीटर में लिखा है, तो आपको पहले ये चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसको लीटर में चेंज कर लीजिए या इसको आप मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसको आप मिलीलीटर में चेंज करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको पता है ये 130, आपको पता है इसको नीचे लिखना पड़ेगा हमें, जो 130 है इसको टोटल, इसको नीचे 6.5, तो 6.5 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, तो ये आपका ml में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ये 1 liter = क्या होता है, 1 liter = 1000 ml होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 6.5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का, और इंटू क्या करते हैं अपन, 100 करते हैं, और कौन सा साइन लगाएंगे आप, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिए अपन ने, ठीक है, या नहीं करते तो भी सही था, क्योंकि फिर यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 65, तो 65 2 से कितना होता है, 130 होता है, मतलब उसका 2% है। कितना है इसका, ये 2%। तो जो 6.5 लीटर का 130 ml जो है उसका 2% है, कितना परसेंट है, 2। तो इसको इस तरीके, जब भी आप देखेंगे जब डिफरेंट क्वांटिटी लिखी हो
और उसको हमें सॉल्व करना हो तो हमें पहले क्या, उनको पहले सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर लीटर और मिलीलीटर है, या फिर केजी और ग्राम है, मीटर और सेंटीमीटर है, तो आपको या तो सभी को मीटर, जैसे मीटर और सेंटीमीटर है तो या तो उसको आप मीटर मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ग्राम और किलोग्राम है तो आप उसको या तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लो। और मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है कि छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता, जैसे इसी की तरह व्हाट परसेंट ऑफ 8 kg इज 200 ग्राम। अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट परसेंट ऑफ 8 kg इज 200 ग्राम, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सिंपल सी चीज है, 200 ग्राम तो हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम 8 kg को उसमें कन्वर्ट करने दो। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 8, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000, क्योंकि हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई 7 में इंटू में 100 करना है, और आपको पता है यहाँ पे परसेंट का साइन लगाना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 20/8, तो 8 से कैंसिल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 कितना बचा, 4 रखेंगे डेसिमल तो जाएगा 4 8 5 40, तो ये इसका हो जाएगा 2.5%। तो इसका मतलब है कि 8 kg का 200 ग्राम, 8 किलो का 200 ग्राम कितना परसेंट है उसका, 2.5% है। तो इस तरीके से आप ये, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसको आपको सॉल्व, तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, सो मिसिंग रहता है कि भैया मिसिंग आपको होता ना कि इसमें लगा कि क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 25 इक्वल टू 20125, मतलब कि कोई नंबर है जिसका 25% जो है वो कितना 20125 है। और ये एक क्वेश्चन तो ये होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि 0.25% ऑफ डैश क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.004। तो बहुत सिंपल होते हैं, इसमें हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा 100, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू 25 इक्वल टू 20125, तो हम उसको ये 25 1 25 25 4 को उधर ले जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 कैरी आई 2, 4 2 8 2 10 कैरी 1, 4 4 4 1 4 5 0 और 4 2 8। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x का जो मतलब जो भी नंबर था उसका जो 25% जो ये है 20125, तो उसका जो रियल जो नंबर है वो क्या है आपका 8050 है। तो हमने क्या करा, जो मिसिंग नंबर तो उसको x माना, परसेंट मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई गुणा 25 बराबर ये लिख दिया, सिंपल। अब इसी तरीके से यहाँ 0.25% मतलब अपॉन में 100 इंटू हमें पता ही नहीं x निकालना 0.04, ठीक है ना। तो अपन उधर लेके चले जाएं फिर देखते हैं, तो x कॉस्ट टू क्या हो जाएगा आपका 0.04, 100 अपॉन में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई और ये आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो अपना 2 पॉइंट बाद इधर भी डेसिमल है, 2 पॉइंट बाद इधर भी डेसिमल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 × 100/25, तो 25 4 100, तो 4 × 4, तो 4 4 कितना होता है 16। तो भैया वो आपका कौन सा नंबर है आपका, वो 16, मतलब आपका 16 का 0.25% जो वो कितना होगा 0.04 होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके परसेंटेज से बनते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पे, और आगे मैं इसके परसेंटेज पे कोई दूसरे वीडियो बनाऊँ जिसमें थ्योरिकल क्वेश्चन आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करें कि आपको जो भी इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।